Hello children, welcome to my channel. So today in this video I am going to discuss the chapter Microorganisms, Friend and Foe. तो आज के इस वीडियो में मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है टॉपिक Microorganisms, Friend and Foes. तो बच्चों इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरे चैप्टर को मैं एटलीस्ट कम से कम 9 to 10 लेक्चर्स में मैं ये चैप्टर को कंप्लीट करूँगी. तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, मुझसे जुड़े रहिएगा. अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग को पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर को 9 to 10 वीडियोज़ में कम्प्लीट करूँगी. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, फ्रेंड एंड फो. अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हम लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? माइक्रो. माइक्रो मीन्स सबसे छोटा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि हमें नहीं दिखाई देता. और उन्हीं में से कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं. फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ठीक है, ये सब नहीं. हमारे काम आते हैं, हमें हमारे लिए ये यूज़फुल होते हैं. और फो मीन्स कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुँचाते हैं. नुकसान इन द सेंस, ये हमारी बुराई नहीं करते, नुकसान इन द सेंस हमको ये बीमार पहुँचाते हैं. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आर यू? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैनॉट सी. अब इसमें बोला है कि अब हम लोग अपने आसपास बहुत टाइप्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखते रहते हैं. ठीक है, कुछ बिग हैं, कुछ स्मॉल हैं, लेकिन वो हम देख सकते हैं. लेकिन वहीं हमारे आसपास कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जिससे हम नहीं देख सकते. अब लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो हम लोग सब जानते हैं लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. मैं बताऊंगी नहीं इसमें. तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं जिसे हम देख सकते हैं? ठीक है, हम सारे लिविंग थिंग्स को हम देख सकते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या ह्यूमन बींग्स हों या वो इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, हम वो देख सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग बींग्स होते हैं या सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको कि हम नहीं देख सकते. तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या बोलेंगे हम इनको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से माइक्रोब्स. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉस ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेश वाइट पैचेस. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? बरसात के दिन अगर हमारे घर में ब्रेड आए और हम अगर उसको यूज़ ना करें, 2-3 डेज हम ऐसे ही बाहर छोड़ दें, तो उसमें हमें क्या दिखाई देगा? कुछ ग्रेश ब्लैक टाइप का या क्रीम कलर का कुछ हमें पैचेस दिखाई देने लगता है. तो ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अब इस पैचेस को हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास से. यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. तो हमें क्या दिखाई देगा? टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर दीज कम फ्रॉम? आप पूछा ये स्ट्रक्चर्स कहाँ से आए हैं. ठीक है, कहाँ से ये सारे स्ट्रक्चर आए हैं? गॉट इट? अब हम लोग स्टार्ट. आई थिंक सो आपको इतना समझ में आ गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है. वो ऑर्गेनिजम्स जिसको हम अपनी आई से नहीं देख सकते. ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं. यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, मे बी आप लोग की मैम आपके स्कूल में करवा चुकी होंगी या फिर करवाएंगी. अब इसमें क्या बोलता है? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू सी? अब इसमें बोल रहा है आप जो है मॉइस्ट सॉइल लीजिए और उसके बाद आप बीकर में डालिए और बीकर में आप वाटर डालिए और फिर उसको मिक्स करके थोड़ी देर सेटल होने दीजिए और फिर उस वाटर को थोड़ा सा 1 ड्रॉप ऑफ वाटर को आप जो है स्लाइड में रख के माइक्रोस्कोप के अंदर आप एब्जॉर्व करिए. आपको क्या दिखाई देगा? ठीक है, और अब देखते हैं सेकेंड एक्टिविटी में क्या बोल रहा है. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड स्प्रेड ऑन ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. अब सेकेंड एक्टिविटी में बोल रहा है कि आप पॉन्ड से
पॉन्ड के पास जाइए या लेक के पास जाइए, या फिर आपको कहीं पे भी स्टैगनेंट वाटर अगर है आपके आसपास, आप वहाँ से आप थोड़ा सा पानी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेकर के आइए और ग्लास साइड में थोड़ा सा एक ड्रॉप आप डाल के ग्लास स्लाइड में उसको आप स्प्रेड करिए और फिर माइक्रोस्कोप के अंडर देखिए, ठीक है? तो आपको क्या दिखाई देगा? डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? तो आपको कुछ उसमें से कोई टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देगा मूव करता हुआ, ओके? सो दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉयल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स थ्रू नॉट दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. अब हमें क्या दिखाई देगा? माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमें टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे माइक्रोब्स हो सकते हैं. वो सारे माइक्रोब्स हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. तो ये जो microorganisms है वो इतने छोटे होते हैं जो कि हम अपने unaided eyes से, यानी कि normal हम इस तरीके से नहीं देख सकते. उसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? microscope की, ठीक है? Some of these such as fungus that grow on bread कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अब फंगस है ये तो जनरली हम देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू हम इसको देख सकते हैं. अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते हैं, ठीक है? दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. तो इसीलिए इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स बोलते हैं, क्योंकि उसे हम अपनी अनएडेड या अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन टू फोर मेजर ग्रुप्स. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, ठीक है? अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसको जो है फोर मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. वो क्या मेजर फोर ग्रुप्स हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, ठीक है? अब वो क्या फोर ग्रुप्स हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ठीक है? मेरे साथ आप लोग रिपीट करिए, वो कौन से फोर मेजर ग्रुप्स हैं एक बार मेरे साथ रिपीट करिए. बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ठीक है? तो ये फोर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4. अब ये कुछ फिगर्स हैं जो कि नेक्स्ट पेज में दिखाया गया है, अभी उसको हम लोग रीड करेंगे. पहले हम वायरसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम, अच्छा पहले हम आपको ये करवा देते हैं, उसके बाद हम वायरसेस का करेंगे, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं. वो क्या हमारे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब बैक्टीरिया है, इसमें टू टाइप्स के बैक्टीरिया दिख रहे हैं आपको, ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव. वो जब आप और हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, नेक्स्ट ग्रुप क्या है? एल्गी. नेक्स्ट ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है एल्गी का. एल्गी में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स में हमारी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो वैसे ही एल्गी है. एल्गी के बहुत सारे कैटेगरीज हैं. एल्गी में कौन कौन आ गए? एक तो क्लैमेडोमोनास, स्पायरोगायरा, ये सब एल्गी के अंदर आते हैं. नेक्स्ट जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटोजोआ, ठीक है? अब प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन से आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? इन सबका आपको नाम याद करना है, प्लस आपको इनके फिगर्स भी याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपको फिगर्स भी पूछ सकते हैं, इनके फिगर्स भी आ सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो है फंजाई का. अब फंजाई कितने टाइप्स की होती है? इसमें मेन दे रखा है, होते तो और भी सारे बैक्टीरिया हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, लेकिन इसमें मेन दे रखा है आप लोग के लिए, आपके 8th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है? अब फंजाई में कौन कौन सा? ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड मीन्स ये मोल्ड जो है वो जनरली ब्रेड में पाया जाता है. देन पेनिसिलियम, उसके बाद एस्परजिलस. तो ये सारे आपके फंजाई के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? अब ये हमारा फंजाई का ख़त्म हो गया. अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं वायरसेस पर, ठीक है? अब वायरसेस क्या होता है? एनी आइडिया?
तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वायरसेस क्या होता है, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो वायरसेस होता है ये जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट जो और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ये थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और इनकी क्या खासियत होती है कि ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ ये हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर ये किसी नॉन लिविंग थिंग्स में उड़ते उड़ते आ गया तो ये वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है, जबकि फंजाई वगैरह आप देख सकते हैं डेड चीज़ों में भी लग जाती है। डेड वुड पड़ा हुआ है, मॉस्ट है, उसमें क्या होता है फंजाई लग जाती है, लेकिन वायरसेस के केस में ऐसा नहीं होता है। इनको लिविंग थिंग्स चाहिए होती है रिप्रोड्यूस करने के, रिप्रोडक्शन के लिए, विच मे बी ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ठीक है, और वो क्या होता है, चाहे तो वो बैक्टीरियम हो, प्लांट हो और एनिमल हो। ठीक है, ये इनके ही अंदर जो है ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी लिविंग थिंग्स हैं हमारी, ऑल दीज आर लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये सारी हमारी लिविंग थिंग्स है। सम ऑफ वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कर्व्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरसेस का कौन कौन हमें नुकसान पहुँचाते हैं, कौन कौन से वायरस, कोल्ड जो हमें कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, कफ होता है, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती, वायरसेस की वजह से होती हैं। ठीक है, सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय वायरसेस। अब डिजीज़ जैसे कि पोलियो हो गया हमारा और चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी जो डिजीज़ हैं ये भी जो है वायरस के ही ज़रिए पाई जाती हैं। दैट मीन्स इन हम बोल सकते हैं कि दीज आर क्या है, ये वायरस के ज़रिए होने वाली डिजीज़ हैं। ठीक है, डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोवा। अब डिजीज़ जैसे कि हमें डिसेंट्री होती है या मलेरिया होती है, ये किसकी वजह से होती है हमें, प्रोटोजोवा की वजह से होती है। टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये डिजीज़ हमें किसकी वजह से होती हैं, ये हमें बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। तो ये जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं ये हमारे फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, ये हमारे फो हैं। ठीक है, ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लासेस 6 and 7। अब हम लोगों ने थोड़ा बहुत 6 और 7 में भी पढ़ा हुआ है इनके बारे में। ठीक है, अब हम जो है जाते हैं सीधे वायरसेस की पिक्चर पे। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम वायरस देख सकते हैं। हमने जो है इससे पहले पेज में हमने बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, प्रोटोजोआ की ये पिक्चर्स हमने देख लिया था ये सारी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे वायरसेस। वायरसेस में क्या है, हम देख सकते हैं इसमें किस तरीके से ये वायरस का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऑल राइट, तो ये हमारा वायरस है। ठीक है, तो अब क्या है, अब इसमें क्या होता है, एनवलप होता, जब आप और अब आगे की क्लास में जाएंगे तो इसको भी आपको डिटेल स्टडी इनकी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना वीडियो एंड करते हैं चिल्ड्रेन, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, अब इस टॉपिक को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।